तो क्या हाल है भाई। हम आ गए हैं फिर से वापसी। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग काफी दिनों से कुछ व्लॉग वगैरह नहीं डाल लेते और क्रिकेट का कंटेंट देखते देखते सब थक गए थे हमारे व्यूअर्स वगैरह। तो आज मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा नया हो जाए। तो भाई आज की वीडियो पे रोस्ट है हमारा ओवी स्कीमा पे। क्या ओवी स्कीमा नहीं है? अरे कीमा तो है ओवेस जीवा। ओह सॉरी 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 ओवेस जीवा पे। हेलो गाइस व्हाट इज अप, दिस इज मी योर बॉय ओवेस जीवा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो हेलो कंट्रोल कंट्रोल। तो भाई इस जैसे बंदे को मैंने कहीं देखा नहीं, क्योंकि इसके जो दांत हैं अगर वो किसी जानवर को भी लग जाते तो इलाज नहीं है। और इसी के साथ साथ इनकी पूरी टीम है हादी और वो सलमान भाई। व्यूज के व्यूज के पूरे गालियां देके व्यूज बन गए। नहीं नहीं चुप चुप। तो इनके मैं एक बंदे की आप मैं आपको शायरी दिखाता हूँ। काफी फैन हूँ यार मैं उसका। अभी आप देखिएगा जरा, ये देखे शायरी। जिसके गाल चूमे हैं तो मालूम हुआ आज, जिसके गाल चूमे हैं तो मालूम हुआ चाय अच्छी है लेकिन कम्बक मीठा बहुत तेज है। चाय तो अच्छी बनी थी लेकिन मीठा तेज नहीं था, मीठे आप थे। तो भाई ये थे हमारे बिलाल क्यूटू, जो आपने वकार जका के शो में भी आपने शायद देखा होगा इनको। तो ये हमारे क्यूटू थे। तो इनकी शायरियां बहुत बहुत फेमस है भाई ये वाली। तो खैर मीठे थोड़े से क्या कर रहे हैं YouTube पे सलमान भाई, होश है आपको? क्या हो रहा है ये सब वीडियो पे भाई? वो इतना सा हादी, वो इतने बड़े दानियल भाई, वो बर्फ का गोला, क्या मतलब कुछ भी। वो एक है तो दांत दिखा के डरा देता है, एक है तो इतना मोटा है कि बंदा डर के भाग जाए कि कहीं चढ़वा ना जाए, और एक छोटा सा है तो उसको कुछ कह नहीं सकते, छोटा बच्चा है। पर अगर इससे ही बात करी जाए तो भाई सब पता नहीं क्यों इनके पीछे पड़े रहते। इससे अच्छे तो हमारे हुसैन तरीन और रबीका खान है। कम से कम ये करती है ना, हुसैन आपके बाल खराब है, गजब बेइज्जती है। तो भाई तफरिया तो हो गई है काफी, लेकिन मैं ही आपको बताता चलूं यार, कुछ दिन से मेरे घर में इवेंट चल रहे थे तो इस वजह से मेरे क्रिकेट के ब्लॉग बंद थे बिल्कुल, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था यार जाने का। और फिर टीम वगैरह का भी यही था कि ईद वीद का सीन था तो सभी आपको पता है बिजी रहते हैं। स्टार्टिंग का पहला हफ्ता तो ऐसा बिजी जाता है, लेकिन मेरा इसलिए ज्यादा बिजी गया क्योंकि पहले हफ्ते में से ही हमारी घर में इवेंट स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए हमारे ज्यादातर इवेंट स्टार्ट हो गए थे पहले हफ्ते से ही। उसके बाद अभी खत्म हुई है तो अभी घर में और इवेंट्स आ गए, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों तक व्लॉग थोड़े कम आएंगे, मैं जितना टाइम निकाल सकूंगा इंशाल्लाह निकालूंगा। और आपको ये वाला रोस्ट अगर पसंद आए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और रोस्ट की वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि नई चीज़ दूं लोगों को ताकि लोग खुश रहें हर वक्त, एनी टाइम क्रिकेट देखते देखते बाज दफा हमारा भी दिल भर जाता है भाई, तो इसलिए ये वीडियो निकाली है मैंने रोस्टिंग की। और मुझे इतनी कोई वो नहीं है, मैं ऐसी तफरीहों में करने बैठा हूँ, मेरे किसी से कोई तसल वसल नहीं है भाई, मैं ऐसी तफरियां ही कर रहा हूँ। एक रोस्ट के नाम पे वीडियो मैंने बनाई है, कोई इन लोगों से मेरा कोई वो नहीं है बड़ा बड़ा, मैं ऐसी तफरियों के लिए उनके लिए वीडियो बनाई है। ओवेस जीवा वगैरह पे बाकी सब अपने भाई हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और वीडियो को आप बढ़ाते हैं आगे। तो भाई अभी ये नहीं, आगे और भी वीडियोस हैं, अभी आप चेक करें। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। क्या गाना गाया यार बिलाल टूटू तुमने, मैं डूब रहा हूँ। अरे भाई तू डूब नहीं सकता, जानी अगर तू पानी में कूदे तो पानी बाहर आ जाए। पता नहीं कैसे कैसे यार गाने गा रहे, क्या कर रहे हैं यार, क्या होगा यार, क्या करेंगे। अभी एक और वीडियो दिखाओ इसकी, एक और हादी की। ओवेस जीवा, दानियल मोटा, तो सॉरी दानियल भाई, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम फादर ऑफ दानियल। फादर ऑफ दानियल, बताओ जरा अभी दानियल के अगर हिस्ट्री निकाल लो या अब्बा वक्त पे शादी करवा दें तो इसके जितने चार बच्चे हो दानियल के। मतलब कुछ भी यार, कितना कितना करेंगे यार ये लोग। और एक वो स्कीमा, बात बात ए, 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 जितनी भी तफरियां कर लो
लेकिन ओवेस जीवा है काम का बंदा यार, अगर साथ रख लो तो पास की जो एरिया के कुत्ते होते कभी आपके पीछे नहीं लगेंगे। तो भाई थोड़ी सी बात करते हैं आप सलमान भाई पे, कि जो इनको इकट्ठा करते हैं सबको और ये वीडियो बनाते हैं, पूरी उनका ही चैनल है। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी वीडियो में आपस में लोग तफरिया कर रहे होते, मैली गिरियाँ कर रहे होते, सही है, इसको कोई नहीं देखता, सही बता रहा हूँ मैं, मतलब देखते हैं, पता है कैसे लोग देखते हैं, आजा सारे पे चले पट्टे पे, रेस भगाएंगे रेस। भाई कुछ कंटेंट लाओ या क्रिकेट का कंटेंट लाओ या किसी चीज का कंटेंट लाओ ऐसा कि जो सब बैठ के देख सके आपके ब्लॉग। तो भाई मैं तो सीधा बंदा, मैं अपने क्रिकेट के ब्लॉग दिखाता हूँ, और फिर अभी ये पहली रोस्टिंग वीडियो है मेरी, उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता डेली ब्लॉग पे भी आने वाला हूँ, जो रूटीन होता है अपना। वैसे मैंने स्टार्टिंग में एक आध रूटीन का बनाया था, उसमें आए तो थे अच्छे खासे व्यूज और रिप्लाई भी अच्छे खासे आए थे कमेंट में कि बहुत अच्छा है ये वो। उसके बाद से वैसा कभी बनाना नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हम लोग जब बनाने खड़े होते हैं ना, तो हम लोग कभी क्रिकेट पे चले जाते हैं, तो कभी उस पर खाने पीने पे चले जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह नए नए कंटेंट मैं आपको दूंगा, ये ज़रूर मैं दूंगा, मैं थोड़े इवेंट्स वगैरह से फारग हो जाऊँ, उसके बाद मैं आप लोग को नए नए कंटेंट दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। आप हैरी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो आपको पता है इससे और मज़ेदार आ जाएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।